हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नबीहास किचन एंड व्लॉग्स। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्योर वेज स्टाइल रेसिपी, जो कि मैंने बहुत ही जल्दी बनाकर इसे रेडी किया है। तो इसके लिए मैंने लिया है तुराई, इसे तेलुगु में आई थिंक बीरकाया कहते हैं और इंग्लिश में इसे रिज गार्ड कहते हैं। तो हम इसी से ही इस सब्ज़ी को बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने लिया है रिज गार्ड यानी कि तुराई, इसे मैं कर लूँगी पील ऑफ। इसका लेयर जो है बहुत हार्ड रहता है, तो इसे मैं पीलर से निकालूंगी, आप चाहे तो नाइफ से भी निकाल सकते हो। तो जैसा कि आप सुन सक रहे होंगे कि आज की वीडियो में आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लाना चाहती हूँ। तो ये मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, मैंने सारा तुराई जो है पील ऑफ कर लिया है। अब हमेशा मार्केट से तुराई ख़रीदने के बाद जल्दी इसे कुक कर लीजिए और हमेशा ऐसे चेक कर लीजिए तोड़कर। तोड़ने के बाद ये जो है सॉफ्ट रहना होगा और इसे जो है कॉली ही ख़रीदना, इसे सख्त हार्ड मत ख़रीदना। तो इसके साथ मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, ये है टोमेटोज़, ऑनियन, ग्रीन चिल्ली और थोड़ी सी कोथमीर और बड़ी मेथी। मैं इसमें ज़्यादा यूज़ करूँगी क्योंकि इससे फ्लेवर और बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑनियन चॉप कर लूँगी, इसे मीडियम स्लाइसेस में कट कर लीजिए। और यहाँ पर मैं ली हूँ 2 मीडियम साइज़ के ही ऑनियंस, तो इसे चॉप कर लीजिए। अब मैं ये सब्ज़ी बनाऊँगी कुकर में, तो इसके लिए मैं लूँगी कुकर और गैस का फ्लेम ऑन कर लूँगी। तो कुकर गरम हो चुका है, मैं अब इसमें ऐड करूँगी ऑयल। ये मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, आप अपने मर्ज़ी हिसाब से ऑयल यूज़ कर लीजिएगा। तो इसके बाद मैं ऐड करूँगी चॉप किए हुए ऑनियंस, इसे थोड़ा स्टेयर करूँगी और थोड़ा हल्के से फ्राई होने दूँगी। ये थोड़ा गलना होगा, थोड़ा स्मूथ होना चाहिए, इसके लिए मैं इस स्टेज पर इसमें ऐड करूँगी वाटर और इसे लिड से कवर करूँगी और 4 to 5 विजल्स लूँगी। तब तक मैं सारे वेजिटेबल्स की चॉपिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैं ली हूँ टमेटोज, तो ये मैंने 2 टमेटोज़ लिया है मीडियम साइज़ के, तो इन्हें जो है मीडियम साइज़ में स्लाइसेस कर लूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर ग्रीन पोर्शन जो है इसका टमेटोज़ का निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ये जो है सॉफ्ट नहीं होते जल्दी, तो हमें जो है इसे फेंक देना होगा। आप चाहे तो मैक्सिमम रेड टोमेटोज़ अच्छे पके हुए ही यूज़ करिएगा इस रेसिपी में। तो टोमेटोज़ के बाद मैं यहाँ पर तुराई को चॉप करूँगी। तो ये देखिए, मैं फर्स्ट इसे बीच में से स्प्लिट करिए और चेक करिए कि ये तुराई सॉफ्ट है या नहीं, उसी के बाद ही इसमें 1/2 कट्स में कट कर लीजिए। तो हमेशा तुराई को जो है थोड़ा सा आप इसे कट करने से पहले थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हो, ये अगर मीठी होगी या फिर फीकी होगी तो ही यूज़ करिए। अगर इसका टेस्ट जो है बिटर यानी कि कड़वा अगर है तो आप इसे यूज़ मत करना कुकिंग में। इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर ली हूँ 2 चिलीज़, इसे भी 1/3 कर लूँगी और तुरई मैंने लिया है 1/2 kg। तो ये देखिए, ऑनियंस जो है अच्छे से 4-5 विजल्स हो चुके थे, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट गैस का फ्लेम ऑन कर लूँगी और ऑनियंस में जो भी पानी बचा हुआ था उसे भी एवेपोरेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो बहुत ही इजी मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए, तो इसके लिए मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं इसमें ऐड करी हूँ 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी अच्छे से इसमें सॉटे कर लूँगी। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप किए हुए टोमेटोज़, ये मैंने 2 टोमेटोज़ लिया था, तो इसे भी इसमें डालकर अच्छे से भून लीजिए। अब इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून फुल सॉल्ट, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और रेड चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून। ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा और इसे भी अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लीजिए।
और टमेटो स्मूथ होने तक थोड़ा इसे ऐसे ही भूनते रहिएगा। आप देख सकते हो कि ऑनियंस जो है अच्छे से मेल्ट हो रहे हैं, तो ऑनियंस को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो पहले से ही वेजल्स यानी कि सीटी लगाकर ऑनियंस को हमेशा ऐसे ही पका लीजिए। तो इसमें मैं ऐड करूँगी कोतमीर, ये हाफ बंच कोतमीर थी, इसे फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैं इसी टाइम पर इसे ऐड कर लूँगी। अब नेक्स्ट मैं इसमें आ गई 2 ग्रीन चिलीज, जिसे मैं 1/2 कर ली थी, सॉरी 1/3 कर ली थी, इसे भी अब ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए टमेटोज़ भी अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं। तो अब इसमें ऐड करना होगा हमें तुराई। तुराई मैंने लिया है 1/2 kg, तो इसे 1/2 कर ली थी मैं स्प्लिट कर लेकर, तो इसे भी इसमें ऐड कर लीजिए। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 glass water, क्योंकि तुराई को जो है पकने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट थी, तो 1/2 glass water ही सफिशिएंट है। तो मैंने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे पकाऊंगी लिड लगाकर, और इसे जो है सिर्फ 2 to 3 vessels ही लूँगी इसी के। तो ये देखिए तुरई का जो है 3 vessels हो चुके हैं। अब मैं इसे अनकवर करूँगी, और इसमें अभी थोड़ा और पानी बाकी है, लेकिन तुरई जो है सॉफ्ट हो गई है, तो इसका जो है सिर्फ पानी एवेपरेट करना होगा। तो थोड़ी देर हाई फ्लेम पर ही इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी मैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये है बड़ी मेथी यानी कि फेनिग्रिक, तो इसे मैं फुल बंच इसमें यूज़ करूँगी, इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं इसे ज़्यादा यूज़ करूँगी। अगर आप के पास बड़ी मेथी नहीं है तो आप इसमें जो है 1 bunch फुल कोतमीर यानी कि कोरिएंडर फ्रेश कोतमीर डाल सकते हो। अगर है बड़ी मेथी तो ये ही यूज़ करिए। तो इसका जो है बस पानी ही एवेपरेट करना है मुझे, क्योंकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो ये देखिए टोमेटोज़ और ऑनियंस वगैरह सब भी अच्छे से इसमें डिसॉल्व हो गए हैं, तो बस इसका पानी ही एवेपरेट करिएगा। और इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से रखिएगा, मुझे ये थोड़ा सा ढीला पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ा हल्का सा वाटर रखूँगी। तो देखिए ये डिश अच्छे से बन चुकी है, तो मैं अभी इसे सर्व कर लूँगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिएगा, मैंने ना इसे ज़्यादा ढीला रखा है ना ही टाइट रखा है, बस मीडियम। तो आप इसे एंजॉय कर सकते हो रोटी के साथ या फिर चावल के साथ, तो एंजॉय करिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिएगा, अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो एंजॉय द वीडियो, एंड मैं आप सभी के साथ जल्द ही लौटूंगी कुछ नई और एक्साइटिंग वीडियो लेकर। तब तक कीप वॉचिंग नबिहास किचन एंड ब्लॉग्स।